पूरे देश में भादों का महीना आते ही गणेश चतुर्थी की धूम दिखाई देने लगती है। क्या क्या खास, सभी लोग अपने अपने घरों में गणपति बापा को बुलाते हैं और विराजमान करते हैं। बापा अपने भक्तों के घरों में जाते हैं और उनको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसी कड़ी में दिल्ली के द्वारका सेक्टर 17 में 7 सितंबर 2024 गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर दुर्गा सप्त शक्ति फाउंडेशन की फाउंडर और भारत तिब्बत समन्वय संघ की महिला विभाग राष्ट्रीय महामंत्री व समाज सेवी संध्या सिंह ने अपनी ऑफिस में देवताओं में प्रथम भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमा को बड़े ही धूमधाम के साथ स्थापित किया। बापा की प्रतिमा, हवन, पूजा और गणपति बापा की गुंज के साथ बापा को विराजमान भी किया गया। बापा की पूजा अर्चना, भोग प्रसाद का आयोजन पूरे 8 दिन समाज सेवी संध्या सिंह और उनके सहयोगी ने बड़े ही प्रसन्न मन और कुशलता से की। अष्टमी के दिन यानी 11 सितंबर 2024 को बापा की विशेष आरती एवं हवन पूजन व भव्य भंडारे का भी आयोजन किया गया। सभी ने इस पूजन में बापा से प्रार्थना की और भंडारे का आनंद लिया। बाहर आते जाते लोगों ने भी भंडारे का खूब आनंद उठाया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री, भाजपा दिल्ली अध्यक्ष एकता मिशन मुख्य प्रवक्ता, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना दिल्ली डॉक्टर पवन मुंगा, फेडरेशन ऑफ साउथ एंड वेस्ट डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर फोरम दिल्ली, चेयरमैन रणबीर सोलंकी, दिल्ली के पालम 360 के प्रधान चौधरी सुरेंद्र सोलंकी, रविकांत शर्मा, प्रतिमा खंडेलवार, रेखा जिंगन, पूनम बाबू, कविता चौधरी, प्रतिमा जैन, सिसिली कोडियान, शोभा दुक्कल, मोहित कपूर, मीनू डागुर, राजवंती नमिता, पवित्रा वंदना शर्मा, शालू वाडावा, अश्विना गुप्ता, मनीषा शर्मा, गीता चौधरी, धर्मदेव चौधरी, गौरव वर्मा और कई गणमान्य व्यक्ति व संध्या सिंह के ऑफिस के सभी स्टाफ मौजूद रहे। समाज सेवी संध्या सिंह के साथ मिलकर सभी ने विश्व के कल्याण के लिए बापा से प्रार्थना की और अगले बरस जल्दी आने की अपील की। जब हमारी टीम ने संध्या सिंह से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि मैं कई वर्षों से बापा की प्रतिमा स्थापित कर रही हूं और बापा की कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है, जिससे हम हर साल ये कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम से करते हैं और बापा हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। उनके आशीर्वाद से पूरे विश्व का कल्याण होता है। बापा हमारे ऑफिस में पधारे, इसके लिए मैं खुद को धन्य मानती हूँ। बापा के जयकारों और अबीर गुलाल के साथ ढोल नगाड़ों की धुन पर सभी लोग थिरकते हुए बापा का विसर्जन करने गए। नम आंखों के साथ बापा का विसर्जन क्या क्या और क्या कुछ कहा तमाम लोगों ने, आगे सुनाते हैं इस रिपोर्ट में। चाहते हैं गणपति जी विदा हो रहे हैं, बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही है, बहुत दुख हो रहा है। और ये लगातार हमने तीसरी बार किया है गणपति जी, और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत खुशी। सभी को गणपति उत्सव की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। गणपति बप्पा मौर्या, हर साल की तरह इस साल भी हमने गणपति उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया है और हमारी पूरी पर्पल वेव की टीम एंड दुर्गा सप्तशती फाउंडेशन की पूरी टीम आज साथ में है और आज लास्ट डे है विसर्जन का और आज हम बहुत ही धूमधाम से विसर्जन करने जा रहे हैं। आशा करते हैं गणपति बप्पा अगले साल भी इसी तरह आते रहेंगे। गणपति बप्पा। एनबीसी न्यूज के लिए नई दिल्ली द्वारका से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।